आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अनुराग ठाकुर ने पिछले हफ्ते एक रैली में देशद्रोहियों को गोली मारने के नारे लगवाए थे। इसके बाद से ही दिल्ली में प्रदर्शन स्थलों के पास फायरिंग की 3 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। प्रवेश वर्मा ने शाहीन बाग को लेकर विवादित बयान दिया था। विपक्ष ने राज्यसभा में इन मुद्दों पर तत्काल चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। लोकसभा में AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने जामिया छात्रों के साथ मारपीट के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा, जामिया में छात्र छात्राओं के साथ मारपीट हुई, बेटियों को मारा गया, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आई। सरकार छात्रों पर अत्याचार कर रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने CA NRC का विरोध करते हुए कहा, देश का आम आदमी संविधान बचाने के लिए विरोध कर रहा है। प्रदर्शनकारी संविधान हाथ में लेकर राष्ट्रगान गाकर इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन पर गोलियां चलवाई जा रही हैं। से हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हम तमाम जामिया के बच्चों के साथ है। ये हुकूमत जुल्म कर रही है बच्चों पर। क्या ये जानते हैं कि एक बच्चे की आंख चले गई, बेटियों को मारा गया, शर्म नहीं है इनको, बच्चों को मार रहे, गोलियां मार रहे। देश में गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रही है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा देश का आम बजट पेश किया गया है। इसे लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उनका एक पुराना वीडियो जारी किया है, जिसमें वे योग कर रहे हैं। इस पुराने वीडियो को शेयर करते हुए राहुल ने लिखा था, डियर PM, आपके इस जादुई एक्सरसाइज रूटीन को कुछ और बार करें, आप नहीं जानते इससे अर्थव्यवस्था की शुरुआत हो सकती है। इसके बाद रांची के विधायक CP सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी ऐसे शख्स हैं जो विरासत पे कांग्रेस के नेता बने हैं, उनकी अपनी समझ तो दो कौड़ी की भी नहीं है। जो व्यक्ति राफेल की कीमत अलग अलग भाषणों में अलग अलग बताता है, वह PM मोदी पर तंज कसता है, उस व्यक्ति की समझ कांग्रेस के एक कर्मचारी से भी कम है। भाजपा के ही एक अन्य नेता प्रभु सचदेव ने भी राहुल गांधी के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि उन्हें अर्थव्यवस्था की उतनी ही समझ है जितनी मुझे रॉकेट साइंस की है। Well, the main issues facing this country today are unemployment and the situation as far as the economy is concerned. I didn't see any concrete idea, any strategic idea that would help our youngsters get jobs. I saw a lot of tactical stuff. Redundant things. I didn't see any central idea. अब तक चीन के वुहान से 654 लोग भारत लाए जा चुके हैं और ये लोग सघन जांच के बाद ही अपने घर जा सकेंगे। हालांकि इन लोगों में अब तक किसी में कोरोना वायरस के संक्रमण की सूचना नहीं मिली है, लेकिन इन सभी की जांच जारी है। जहां एक तरफ इस वायरल को लेकर देश और दुनिया में दहशत का माहौल है, वहीं भारतीय अपनी पहचान के अनुरूप इस डर की घड़ी को भी अपने जोश और जज्बे से जीतने की मिसाल पेश कर रहे हैं। चीन से लाए गए भारतीयों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसपे वो डांस के साथ कोरोना वायरस को हराते नजर आ रहे हैं। एयर इंडिया के PRO धनंजय कुमार ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया है। इसमें सेना की तरफ से बनाए गए चिकित्सा केंद्र में रखे गए युवा देसी गीत पर डांस करते नजर आ रहे हैं। यह लोग भारतीय सेना के मैनेसर स्थित स्क्रीनिंग कैंप में रखे गए हैं और इस दौरान मास्क लगाकर देसी गानों पर जमकर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि इस वायरस से सबको बचाना सरकार की प्राथमिकता है। कोरोना को लेकर सबको एक साथ आगे आने की जरूरत है। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर JS अवास्या ने इंदौर व उज्जैन संभाग के CMHO के निर्देश दिए हैं कि 15 जनवरी के बाद चीन सहित 21 देशों से लौटे सभी लोगों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देना होगी। स्वास्थ्य विभाग इन लोगों की जांच करेगा। गंभीर लक्षण दिखने पर अस्पताल में और लक्षण नहीं दिखने पर घर पर ही अलग रखा जाएगा। इन्हें व परिवार के सभी सदस्यों को N95 मास्क दिया जाएगा। वहीं नमूने लेकर मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। जो लोग यात्रा से लौटे हैं, उन्हें CMHO ऑफिस के कंट्रोल रूम नंबर 07312537253 पर जानकारी देनी होगी। सभी जिलों के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में बताया गया है कि 15 जनवरी के बाद, जिसमें चीन विशेषकर वुहान शहर से आने वाले लोगों की जानकारी CMHO को देना जरूरी है। इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, मकाऊ, फिलीपींस,
ताइवान व फिनलैंड से लौटे यात्रियों के बारे में भी जानकारी देना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम दिन में दो बार ऐसे लोगों की निगरानी कर जांच करेगी। नमूने लेकर जांच के लिए मेडिकल कॉलेज की लैबोरेटरी में भेजा जाएगा। संदिग्ध मरीजों की सूचना मिलने पर पीसीसीटी अस्पताल में उनको नमूने लिए जाएंगे। डॉक्टरों व लैब टेक्नीशियन की ड्यूटी लगाई गई है। विमान तल पर भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से आने वाले यात्रियों की जाँच के लिए टीम गठित की गई है। WHO की नई गाइडलाइन के अनुसार बिना लक्षण वाले सभी लोगों को घर पर ही अलग रखा जाएगा। उन्हें N95 मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। स्वजन को 3-लेयर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। यह दिशा निर्देश बीमारी को फैलने से बचाने एहतियात के तौर पर जारी किए गए हैं। हमारी पूरी तैयारी है और तैयारी भी युद्ध स्तर पर है। कहीं भी आपको ऐसा आपके संज्ञान में लगता है किसी भी आपके भी कोई मरीज आपको मिले तो आप मुझे सीधे सीधे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को खबर करें, जो टोल नंबर दिया है उस पर खबर करें और आप टोल नंबर करें, चेक करें। मैंने कहा ना, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की साझेदारी है, हर व्यक्ति को सजग और जागरूक रहना पड़ेगा और जनता से ज़्यादा मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे आपका सहयोग है। नौगांव निवासी अभिषेक राजपूत चीन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। वह 20 दिन पहले घर लौटा था, तभी से उसके गले में दर्द और सर्दी जुकाम है। वह शनिवार को नौगांव के स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पहुंचा। उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसे स्वाइन फ्लू के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में चिकित्सीय निगरानी में भर्ती कर दिया गया व छात्र के खून एवं यूरिन के सैंपल लेकर पूना लैब भेज दिए गए। लेकिन मरीज सोमवार दोपहर वार्ड से अचानक गायब हो गया। उसके बाद से ही उसका कोई पता नहीं लगा। इसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी उसे पकड़कर वापस अस्पताल लाए हैं। मरीज तो नहीं कहा जा सकता उसको, वो व्यक्ति 14 जनवरी के पहले चाइना से लौटा था और वो मेडिकल का छात्र है वहाँ पर। और उसका ये कहना है कि जहाँ वो बीमारी जिस प्रांत में फैली है वहाँ से मेरा कार्य क्षेत्र 1000 किलोमीटर दूर था, तो मेरे को उसमें कोई बीमारी कैसे होने कोई सवाल नहीं है। और दूसरा उसमें था कि अगर मैं संदिग्ध होता तो मुझे एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया होता, मुझे यहाँ तक नहीं आने दिया जाता। फिर भी एहतियातन के तौर पर प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप उसको BMO नौगांव ने छतरपुर भेजा। यहाँ हमने उसके लिए आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की है, आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उसको प्रोटेक्टिव मास्क दिए गए हैं। उधर चीन में कोरोना वायरस अलर्ट के बाद वहां अध्ययनरत खरगोन जिले के दो विद्यार्थी रविवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से उन्हें सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सीधे गुरुग्राम स्थित सेना के ITBP कैंप में भेज दिया गया है। खरगोन में शुभम गुप्ता और गोगांव के अब्दुल मतीन खान चीन के सियान शहर में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। शुभम व मतीन के परिजनों ने बताया कि उनके बच्चों से बात हुई है, वे स्वस्थ हैं, सेना के कैंप में हैं। रविवार को उनका ब्लड सैंपल लिया गया है, 14 दिन उन्हें यहीं रखा जाएगा। किसान नेता राजेश राय की श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करने पलारी पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर को लेकर कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का श्रेय कार सेवकों और सुप्रीम कोर्ट को जाता है। अर्थव्यवस्था को लेकर तोगड़िया ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था ऑक्सीजन पर निर्भर है, उसको सुधारा जाना चाहिए। तोगड़िया ने NRC और CA का समर्थन करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से दूसरे देशों के हिंदुओं को नागरिकता मिलेगी, पाकिस्तानी हिंदुओं का स्वागत है, लेकिन 30 वर्षों से भारतीय शरणार्थी कश्मीरी हिंदुओं की घर वापसी कब तक होगी, यह बड़ा सवाल है। देश में हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त आवश्यकता है। अभी तो नागरिक संशोधन कानून की बात है, वह पाकिस्तानी शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता देती है तो उनकी ज़रूरत थी, हम उनका स्वागत करते हैं, पर पाकिस्तानी शरणार्थी हिंदुओं की सुरक्षा करते हैं तो भारतीय शरणार्थी हिंदू 30 वर्षों से कश्मीरी हिंदू शरणार्थी है, उनकी घर वापसी का क्या, क्यों नहीं हुआ? और पूरा देश का हिंदू अल्पसंख्यक होकर शरणार्थी होने के कगार पर है, जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर पूरे देश की हिंदुओं की सुरक्षा हुई। हमारा कहना है कि पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं की भी सुरक्षा हो, कश्मीरी हिंदुओं को घर वापसी के साथ उनको भी सुरक्षा मिले।
नदी न्यास के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा अब छतरपुर जिले में रेत उत्खनन क्षेत्र में अवैध उत्खनन को रोकने का दावा करेंगे। कंप्यूटर बाबा ने प्रशासनिक लाव लश्कर के साथ केन और धसान नदी के किनारे रेत उत्खनन क्षेत्रों के बारे में समझा। बाबा कमलनाथ सरकार में अवैध रेत खनन को रोकने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि वह रेत खनन क्षेत्र में जाकर रेत माफियाओं पर पूरी तरह रोक लगा देंगे। जब उनसे पूछा गया कि पिछली बार खनिज मंत्री ने आपको बाबागिरी करने को कहा था, तो बाबा ने कहा, यह बात जाकर सीएम कमलनाथ से पूछो। कंप्यूटर बाबा ने एक साल के दौरान कितने पौधे नदियों के किनारे लगाए, तो वह इस सवाल पर बाबा मीडिया से नाराज हो गए। उन्होंने नाराजगी वाले अंदाज में कहा कि हम शिवराज सिंह चौहान जैसे पौधे नहीं लगाएंगे जैसे उन्होंने नर्मदा नदी पर लगाए थे। नदियां बचें, नर्मदा बचें, तो नदियों को बचने के लिए हम लोग पूरा प्रयत्नशील हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नदियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके तहत हम लोग औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं रात दिन। आज हम जो आए हुए हैं, आज हमारे साथ पूरा दलबल के साथ भी हम लोग एक एक पॉइंट जा रहे हैं। देखिए, हम वैसे पौधा नहीं लगाना चाहते जैसे पिछली शिवराज सरकार ने साढ़े सात करोड़ पौधा लगाए थे, 700 पौधे भी नहीं है। हम ऐसे पौधा नहीं लगाने, हम 10 पौधा लगाएंगे, 10 लोग जिंदा रहेंगे, इसका हम ध्यान लगाएंगे। राजा भोज एयरपोर्ट की सुरक्षा भगवान भरोसे है। अब तक कुत्ते, सियार और भैंस के विमान के सामने आने की घटनाएं हुई है। यह पहला मौका है जब सीधे टेक ऑफ हो रहे विमान तक कोई सरफिरा युवक पहुंच गया। एयरपोर्ट पर अंदर जाना आसान नहीं है, लेकिन इस घटना ने एयरपोर्ट की सुरक्षा की पोल खोल कर रख दी है। यह पहला मौका है तब कोई सरफिरा सीधे विमान के सामने तक जा पहुंचा है। रनवे के शुरुआती छोर और टैक्सी वे के बीच में सीआईएसएफ के पॉइंट है। यहां जवान तैनात रहते हैं, चारों तरफ वॉच डॉग लगे हैं। ऐसे में एयरपोर्ट की सुरक्षा पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्टेट पुलिस और सीआईएसएफ के बीच समन्वय की कमी के कारण ही युवक अंदर तक घुस आया। यदि स्टेट हैंगर पर घुसते ही पहले ही पुलिस सीआईएसएफ को सूचना दे देती तो शायद युवक रनवे तक नहीं पहुंच पाता। वहीं सीआईएसएफ ने रनवे पर आते ही उसे क्यों नहीं पकड़ा, यह भी जांच का विषय है। सीआईएसएफ के जवानों ने उसे हिरासत में लेकर जब पूछा कि तुम यहां तक कैसे और क्यों घुसे, तो सिरफिरे युवक ने कहा, मुझे कमांडो बनना है, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। युवक से गांधीनगर पुलिस पूछताछ कर रही है। एयरपोर्ट पर घुसने के बाद युवक बड़े आराम से रनवे पर पहुंच गया, जहां स्पाइस जेट की उड़ान संख्या SG-3721 उदयपुर के लिए टेक ऑफ हो रही थी। विमान ग्राउंड पर ही था कि पायलट को सामने एक युवक दिखाई दिया, उसके हाथ में पानी की बोतल और पत्थर थे। सुरक्षित और संवेदनशील क्षेत्र में युवक को देख चालक दल हैरान रह गया। पायलट ने विमान को टेक ऑफ करने के बजाय वापस टैक्सी वे की तरफ मोड़ दिया। इसी बीच युवक दौड़ता हुआ एप्रन की तरफ भागा और पत्थर से एक हेलीकॉप्टर के कांच तोड़े, हेलीकॉप्टर के नोज को क्षति पहुंचाई। इसी बीच सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया, लेकिन तब तक युवक हेलीकॉप्टर के कांच तोड़ने में कामयाब हो गया था। इस युवक का नाम योगेश त्रिपाठी बताया गया है। DIG इरशाद वली ने बताया कि पूछताछ में युवक ने बताया कि वह BCA की पढ़ाई कर रहा है। युवक से सघन पूछताछ की जा रही है, साथ ही उसकी मानसिक स्थिति के बारे में भी मनोचिकित्सकों से भी राय मांगी गई है। युवक के खिलाफ अति सुरक्षित इलाके में अनाधिकृत रूप से घुसने की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सुबह की सफारी के दौरान कान्हा रेंज में शवरताल के आसपास की झाड़ियों में छुपे बाघ ने पर्यटकों से भरी गाड़ी पर हमला करने का प्रयास किया। जिप्सी में बैठे पर्यटकों को झाड़ी में बाघ दिखा। जिप्सी चालक ने गाड़ी रोकी ही थी कि टाइगर ने आक्रामक मुद्रा में दहाड़ते हुए जिप्सी पर छलांग लगाई। कुल 26 सेकंड में टाइगर झाड़ियों से निकला और आक्रामक हो गया। हालांकि समय रहते गाइड ने हाका देकर बाघ को डराया, जिससे बाघ वाहन के नजदीक आने से पहले ही वापस हो गया। बाघ की इस हरकत से पर्यटकों की सांसें अटक गई थी। ऐसा बहुत कम होता है कि बाघ इस तरह अचानक आक्रामक होकर इंसानों पर अटैक करे। राजधानी में रविवार को बड़ी आगजनी की घटना होते होते टल गई। घटना रविंद्र भवन परिसर की है। यहाँ लोकरंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। परिसर में टेंट लगाए गए थे।
इन टेंटों में बिछाई गई मैट व पर्दों में आग लगने से भड़क गई। आग बढ़ती इससे पहले ही फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। परिसर में ही कचरे में आग लगाई गई थी। हवा के कारण जलता हुआ कचरा टेंट तक पहुंच गया और आग लग गई। आग पहले मैट में लगी, फिर टेंट के पर्दों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने के बाद चंद मिनटों में फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। टेंट में लोक रंग से जुड़ी हुई प्रदर्शनी लगाई गई थी। आग लगते देख परिसर में अफरा तफरी मच गई। मौके पर रविंद्र भवन के कर्मचारी व लोगों ने भी आग बुझाने की पूरी कोशिश की। गनीमत रही कि किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है और जान माल का नुकसान भी नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर के कोयलीबेड़ा में मकराना के पास दो आईडी बम बरामद हुए हैं। पंचायत चुनाव से ठीक पहले नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए बम प्लांट किए थे, जिसको सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है। इसी बीच आमाबेड़ा मार्ग पर गुमझीर गांव में नक्सलियों ने पंचायत भवन के सामने साप्ताहिक बाजार में बैनर लगाकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था। ग्रामीणों के अनुसार तकरीबन एक हफ्ते से यहाँ बैनर बंधे हुए थे, लेकिन यहाँ पुलिस नहीं पहुंची। ऐसे में मतदान को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। छतरपुर के नौगांव थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। घटना माउसानिया के तालाब की है। 16 साल का हेमंत श्रीवास और 17 साल का देवेंद्र तालाब में नहाने गए थे। जब शाम तक दोनों घर नहीं पहुंचे तो उनके परिजनों ने दोनों की तलाश की। परिजनों ने तालाब के बाहर दोनों के कपड़े रखे देखे और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना ऐसी घटी था, ये लोग नहाने के लिए गए थे वहाँ, तो करीब 9:30 के आसपास गए हैं। तो इसके बाद में नहाते रहे ये लोग, फिर वहाँ थोड़ी पास में 5 फुट करीब इनकी ढीमन की जाल रही थी जरिया, तो उसमें जो लोग कूदे होंगे तो उसमें एक दूसरे के उसमें वो हो गए, तो ये लोग लिपड़ गए उसमें। लिपड़ने के कारण से ये लोग फिर निकल नहीं पाए। सुबह होमगार्ड के जवानों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। करीब 2 घंटे बाद दोनों युवकों के शव तालाब से निकाले गए। दोनों युवकों की मौत मछुआरा द्वारा तालाब में मछली पकड़ने के लिए डाले गए जाल में फंसने की वजह से हुई। चचेरे भाइयों की मौत से परिजनों में मातम का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल 1 तारीख के शाम रात करीब 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि मऊसानिया के दो लड़के धुवेला तालाब में नहाने गए थे, तो वो लौट कर घर नहीं पहुँचे या तो शायद तालाब में डूब गए हैं। तो हम लोग मौके पर गए, देखा रात्रि होने से कुछ भी नहीं कर पाए। सवेरे फिर रिमांड किया गया, उनकी तलाश की गई तो वहीं तालाब में डूबे हुए मिले। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।